शादाब, इस टाइम आप पाकिस्तान के नंबर वन ऑलराउंडर हैं, और डू यू रियली थिंक के नंबर वन तक जाने की आपने एम भी किया हुआ है? अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डेफिनेटली जब भी आप वैसे भी किसी भी प्लेयर से पूछेंगे तो जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो उसका मेन फोकस ये होता है कि वो नंबर वन प्लेयर बने दुनिया का, और एज ए ऑलराउंडर मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं नंबर वन बनूँ। लेकिन मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि रैंकिंग को ना देखा जाए। अगर मैं क्रूशियल मोमेंट पे इम्पैक्टफुल इनिंग्स टीम के लिए या बॉलिंग कर रहा हूँ, विकेट ले रहा हूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चैंपियंस ट्रॉफी की परफॉर्मेंस तो डेफिनेटली आपको याद होगी और मोस्ट लाइकली उसको रिपीट करने की ख्वाहिश भी रखते होंगे। इतना आसान तो नहीं है, जैसे कि चीफ सेलेक्टर इंडिया ने भी बोल दिया कि पाकिस्तान का पेस टक ऐसा है कि आराम से विराट कोहली उसको डील कर लेंगे, इतना आसान होता है क्या? देखिए ये डिपेंड करता है ऑन अ डे। देखिए हम, अब मैं या कोई और भी या उनकी तरह से कोई ऐसा बोल दे, वो तो ऐसा नहीं होता। बोलने से तो कुछ भी नहीं होता, कोई चीज़ें चेंज नहीं होती। जब वो मैच होगा, मैच में जो चीज़ें नज़र आएंगी वही है, असल चीज़ वही होती है। अच्छा, सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, एक एक सवाल कीजिएगा। शादाबी, दूसरे मैच में बड़ी गहमा गहमी रही, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर और शाहीन अफगानी क्रिकेटर से नाराज़ दिखाई दिए। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए हीट ऑफ द मोमेंट यही, आप जो भी फैंस होते हैं वो चाह भी रहे होते हैं कि ऐसी चीज़ें नज़र आए उनको भी। हीट ऑफ द मोमेंट ये चीज़ें होती हैं। देखिए दोनों टीमें अब जीतने की तरफ जा रही होती हैं तो उसमें हीट ऑफ द मोमेंट चीज़ें होती है, और मैं तो ये चीज़ें ज़्यादा इंजॉय करता हूँ। ये चीज़ें होनी भी चाहिए क्रिकेट में, देख फैंस को भी अच्छा लगता है और वो भी इंगेज रहते हैं इस चीज़ में। आपने कैच पकड़ा था, उसके बाद आपने ट्वीट किया था कि मैं बुड्ढा नहीं हुआ अभी, उसके पीछे क्या बात है? और थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि वो जो रन आउट आप हुए थे, क्या आप उससे थोड़ा सा नाराज़गी का इशार किया था आपने? देखिए वो बुड्ढा वाला तो वो बाबर की वजह से, देखें वो जब 2021 में उसने बोला था, तो कोशिश करता हूँ जब भी कोई ऐसी अच्छी फील्डिंग हो या अच्छा कैच पकड़ूँ तो बाबर को बोलूँ, जब ड्रॉप करूं तो कोशिश करता हूं उससे दूर ही रहूं। दूसरा देखें, जो चीज़ लॉ में है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो अगर सिचुएशन ऐसी थी कि हमें लग रहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जो चीज़ लॉ में है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, एशिया कप जैसे स्टार्ट होता है पाकिस्तान का, बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, ये कितना चैलेंजिंग होगा प्लेयर्स के लिए? बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप देखें अभी सीरीज़ खत्म है, कल हम फिर ट्रैवल कर रहे हैं। मुश्किल होता है, देखें हाउ कैसे हम कोप अप करते हैं एज ए प्लेयर, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा फटीग होगी क्योंकि आप मैचेस खेलते हो और आज का वनडे क्रिकेट इतनी लंबी आपको लगती है क्योंकि आप T20 क्रिकेट और वही सेम इंटेंसिटी आपको 50 ओवर रखनी पड़ती है। तो देखें अल्लाह करे इंजरीज ना हो, लेकिन जो जिस तरह का शेड्यूल है वो बहुत हेक्टिक है, और अल्लाह ताला हमारे लिए, हमारे जो फैंस हैं वो बकरे भी सदके देते रहें, क्योंकि ये चीज़ें बड़ा मुश्किल शेड्यूल लग रहा है। 2 तारीख से पहले आपका बहुत ज़्यादा ट्रैवल है, तो कितना मुश्किल होगा उस मैच के बाद दौरान ये ट्रैवलिंग, और ये उस मैच में कितना अफेक्ट कर सकता है? देखिए डेफिनेटली कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन देखते हैं कि अभी तो किया नहीं है ट्रैवल, बस लग रहा है ज़्यादा है, वो डेफिनेटली ज़्यादा है, लेकिन कोशिश करेंगे खुद को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत मुश्किल होता है स्पेशली हमारे फास्ट बॉलर के लिए, तो कोशिश करेंगे उनको हम खुद ही दबाते रहें ताकि वो फ्रेश रहें दो वाले मैच के लिए। लास्ट क्वेश्चन, नंबर वन है ओडीआई रैंकिंग में, इसी सीजन का कंडीशन में ही पाकिस्तान ने अपनी नंबर वन ओडीआई रैंकिंग हासिल कर ली है, तो इस वक्त अगर देखें तो कोई ऐसी टीम नहीं है जो पाकिस्तान के साथ देखें अगर देखा जाए तो मुताबिकत रखती हो, आपको लगता है कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए हमारी टीम ही फेवरेट है? नहीं, मुकाबला तो अगर रखती है मेरे ख्याल से, अगर आप मेरी नज़र से देखेंगे डेफिनेटली रखती है। अगर आप ICC की रैंकिंग में जाएंगे तो हमें वर्ल्ड कप मिल जाना चाहिए क्योंकि हम नंबर वन बन गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब एशिया कप या वर्ल्ड कप में जो टीम अच्छा खेलेगी, क्योंकि ये वही वैसे ही वर्ल्ड कप है, हर टीम एक दूसरे के साथ खेलेगी, तो जो वहाँ अच्छा खेलेगी, क्योंकि मेरा इतना बिलीव नहीं है रैंकिंग में, क्योंकि ऑन अ डे जो परफॉर्म करे, जो मैच विनर हो, शायद उसकी वाली रैंकिंग ना हो, तो मेरा तो ऐसा है, लेकिन हर बंदे का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, लेकिन नंबर वन बने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है, लेकिन अगर वर्ल्ड कप जीतेंगे तो वो ज़्यादा खुशी है। थैंक यू, थैंक यू, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।